लोकसभा रिजल्ट्स के लिए कुछ घंटों का वक्त बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुंबई में मौजूद हैं और यहां पर महाराष्ट्र भाजपा की तरफ से जश्न की क्या तैयारियां हैं, तस्वीरों के जरिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 10,000 से ज़्यादा बूंदी के लड्डू बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहां पर गणेश भंडार में जहां जहां आपकी नज़र जाएगी, मीठी मीठी गरम गरम देसी घी से बनी हुई लड्डू जो है उसको यहां पर तैयार किया जा रहा है। मौका है भारतीय जनता पार्टी के हैट्रिक का, यानी कि मोदी सरकार के हैट्रिक का। हमारे साथ यहाँ पर भाजपा के नेता अतुल शाह जी हैं, इनकी भी हैट्रिक है, तीसरी बार ये लड्डू बनवा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे अतुल शाह जी, छोटे छोटे बॉक्सेस लेकर बैठे हैं और इन लड्डुओं को किनको सौंपेंगे, कितने लड्डू बनवा रहे हैं आप? हमने 500 किलो लगभग 10,000 लड्डू का ऑर्डर दिया है और ये लड्डू इस टाइम बड़ा हाइजीनिक तरीके से देंगे। ये लड्डू डब्बे में देंगे और मोदी जी को हमने बधाई दी है। और बधाई ये है कि आप पढ़िए, ये डब्बे के ऊपर ही लिखा है, देखो, फिर एक बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, और मोदी जी को बधाई है। और ये गणेश भंडार, जैसे आपने कहा, आप तीनों बार आई है, 14 में भी हमने ये लड्डू बनाए, मोदी जी जब आए 19 में भी बनाए और ये 24 में बन रहा है। और लोगों को बहुत खुशी है, कल मोदी जी आने वाले हैं और अपनी संस्कृति में ये मीठा मुंह कराने का महत्व बहुत है। और लड्डू आपको एक दे रहा हूँ, लड्डू है, 10,000 से ज़्यादा लड्डू यहाँ पर अतुल शाह जी बनवा रहे हैं और इस लड्डू को खाकर हर कोई अपना मुंह मीठा करेगा। भाजपा कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। अतुल शाह जी, अगर आप मुझे बताएं कि एग्जिट पोल जो है वो आप लोगों के पक्ष में है, 400 पार की उम्मीद है आपको इस बार? बिल्कुल, देखो ये एग्जिट पोल को हम नहीं देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं लोगों में जन समर्थन, लोगों की आंखों में हम देखते तो मालूम पड़ जाता है। और मोदी जी की 10 साल की डिलीवरी, ये कैसे कोई भूल सकता है, 10 साल की डिलीवरी। और देश में अपना नाम, देश में डंका है अपना। आज कोई भी पासपोर्ट लेके इंडिया का जाता है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, तो अब बोलते हैं यस इंडियन पासपोर्ट, यू आर मोदी जी, मोदी जी का नाम लेते हैं। ये मोदी जी ने, कोई ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर बोलता है बॉस, अफ्रीका का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पैर छूता है, और सब कोई, ब्रिटेन एक कॉन्फ्रेंस में गया मोदी जी को खोज रहा है, ये तो अपनी आँखों से हमने देखा है। और जिस तरह का उन्होंने विकास का, डेवलपमेंट का काम इस देश में किया, और विशेषकर अपने मुंबई और महाराष्ट्र में भी जिस तरह का उनका साथ रहा है, सचमुच में। अच्छा, ये जो लड्डू है मेरे हाथ में, इसमें बहुत खुशबू आ रही है, मुझे बताएंगे क्या कुछ खासियत है, क्या कुछ मिलाकर बनाया आपने जीत के जश्न में? इसकी खुशबू का कारण ये है कि ये प्योर गाय के घी का है। अच्छा। ये गणेश भंडार, ये जो संस्था है, ये नो प्रॉफिट लॉस की संस्था है, और यहाँ पर हमने 14 में भी बनाया, 19 में भी और 24 में। और जब गणेश जी का आशीर्वाद हो और लल्ला, राम लल्ला का आशीर्वाद हो, तो कोई भी काम बहुत सफल होगा। और बहन जी, आपको एक ये मैं भी कह दूँ कि ये जीत उसको उन्माद में हम नहीं करना चाहते, मोदी जी को काम से पसंद है काम, तो हम ये जीत के बाद ब्लड डोनेशन ड्राइव लेंगे और स्वच्छता अभियान हमारे परिसर में लेने वाले हैं। अच्छा जी, क्या कहेंगे, कल आप लोग लड्डू तो बांट रहे हैं, लड्डू के साथ तो और क्या जश्न की तैयारियाँ? नहीं, मैं तो लड्डू लेकर प्रदेश ऑफिस जा रहा हूँ, हमारे बावन कुले साहब, आशीष शेलार जी और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में ये लड्डू वितरित हो जाएंगे। और यही जल्लो से अपने देश की संस्कृति है कि मुंह मीठा कराए और लोग आनंद से नाचे। तो मुंह मीठा कराने की बात भाजपा की तरफ से किया जा रहा है, मेरे हाथ में आप ये लड्डू देख पा रहे हैं, देशी घी से बना हुआ शुद्ध लड्डू है। ये एक लड्डू नहीं, ऐसे हजारों लड्डू जो है वो भाजपा की तरफ से बनाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र नहीं, देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारियां शुरू हो गई हैं। एग्जिट पोल के बाद और ज़्यादा उत्साह देखने मिल रहा है और भाजपा का कहना है कि ये उनके हैट्रिक की तैयारी है। और अतुल शाह जी भी यहाँ पर खुद अपने हाथों से लड्डू पैक कर रहे हैं क्योंकि तीसरी बार उनकी तरफ से ये लड्डू बनाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि कुछ घंटों बाद जब आंकड़े सामने आएंगे तो आखिरकार सरकार किसकी बनती है। कैमरा पर्सन प्रशांत माने के साथ मैं नम्रता दुबे, बीपी न्यूज़ मुंबई।